राज जी देखिए, मैं अब चंडी एयरपोर्ट पे ज्यूज में ये बेसमेंट में हूँ। द ब्यूटीफुल क्राइम आपने अक्सर मूवीज में ऐसी क्राइम देखी होंगी, पर आपने लाइव कभी नहीं देखी है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। कि पहले ये सब कुछ मैं अपने लिए करता था, अब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या क्या पूरी दुनिया में होता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा सिंगापुर में फोर्थ डे है और हम जो हैं वो चंगी एयरपोर्ट डिस्कवर करने जा रहे हैं। ज्यूल्स है वहाँ पर, वाटरफॉल है बहुत बड़ी लाइक एयरपोर्ट के अंदर, और बहुत लाइक उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। वो इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको वहाँ जाके दूंगा। तो इसको हम डिस्कवर नहीं कर सके। जब हमारा अराइवल हुआ था सिंगापुर में, तो उस वक्त जो है ना हम लोग बहुत थके हुए थे, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी, फ्लाइट्स बहुत लंबी थी यहाँ पर आने के लिए, तो हमारे पास लाइक इतना टाइम नहीं था और फिर थके भी बहुत हुए थे कि हम लोग उसको डिस्कवर करते। बट आज स्पेशली टुडे मॉर्निंग आई एम गोइंग टू चंगी एयरपोर्ट ज्यूल्स, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आज का। और बीच में जो रास्ता है एयरपोर्ट का जाते हुए, वो भी मैं उसके भी क्लिप्स आपसे शेयर करूँगा। बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, प्लांटेशन बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे ज़बरदस्त दरख्त और लगे हुए हैं कि मैंने आज तक ऐसे दरख्त कहीं नहीं देखे हैं। फ्लावर्स हैं बहुत कुछ रास्ते में, बहुत ग्रीनरी है। और ज्यूल्स जो है सिंगापुर में, वो एक आप उसको शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं, वो एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल है। और उसको चंगी एयरपोर्ट जो है वो एक एरिया है, ये टर्मिनल वन है। जब आपका इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे अराइवल होता है सिंगापुर में, तो आप जब एंटर होते हैं टर्मिनल वन पे, तो क्रॉस द रोड ऑपोजिट साइड पे जो है वो आपको ज्यूल्स मिलता है। और आज मैं वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। गाइस, यू कैन सी द ब्यूटीफुल रोड। नाउ वी आर गोइंग टू द चंगी एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत खूबसूरत रोड है एयरपोर्ट से जो कनेक्ट करती है, मेन हाईवे है, बट लाइक इट्स ब्यूटीफुल। यू कैन सी द ग्रीनरी ऑल ओवर। और मैंने इतना नीट एंड क्लीन लाइक कंट्री बहुत कम देखा है। और आप देख रहे हैं कि आप इस वीडियो में जो है वो लेफ्ट और राइट इतनी ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये सिटी है, सिटी के अंदर इतनी ग्रीनरी होना जो है वो कमाल की बात है। और सस्टेनेबल सिटी है, पोल्यूशन फ्री है, बहुत नीट एंड क्लीन है। आपको सांस लेते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव करें कि बिल्कुल भी आपके, मुझे 5 दिन हो गए यहाँ पे सिंगापुर में, 4 दिन, बट मेरे जूते बिल्कुल साफ़ हैं। आपके कपड़े गंदे नहीं होते, आपके जूते गंदे नहीं होते हैं। ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी यहाँ पर, बट ये है कि इतनी गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती है। और बाकी वेदर जो है वो नॉर्मल है। अभी करंट टेम्परेचर जो है वो 34 है, और बाकी इतना बुरा वेदर नहीं है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एंजॉयमेंट के लिए, ये इतना कोई हॉट वेदर नहीं है। गाइस, आई जस्ट एंटर इन द ज्यूल्स चंगी एयरपोर्ट। नाउ यू लुक द वाटरफॉल, ब्यूटीफुल वाटरफॉल नेवर सीन बिफोर। किसी एयरपोर्ट पे ऐसी वाटरफॉल नहीं है। लुक द वाटरफॉल, ओह माय गॉड। आप वाटरफॉल देख रहे हैं,
ये एयरपोर्ट के अंदर है और इस वाटरफॉल को देखने के बाद जो है ना बंदा दिल चाहता है बंदा इस वाटरफॉल को देखता ही रहे। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और अभी मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। जैसे ही आप एंटर होते हैं एयरपोर्ट के अंदर चंगी के, वैसे ही आप जैसे ही एंटर होते हैं बिल्कुल आपको सामने नज़र आती है वाटरफॉल। गाइस ये मैंने बाय करनी है टिकट्स कनोटी ब्रिज की चंगी एयरपोर्ट पे, तो अभी हम एंट्रेंस पे वेटिंग में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है ना इसकी कनोटी ब्रिज की एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस पर गाइस ये वाटरफॉल जो है इसकी सारी डिटेल्स नीचे डूम चेक करें, इसमें ये सारा पानी जा रहा है और लाइक ये मैं सारा आपको व्यू दिखाता हूँ। इसके ऑल अराउंड सारी ग्रीनरी है, आप देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और ये ऑलमोस्ट कोई 900 प्लांट्स हैं यहाँ पे जो मैन मेड इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये ब्रिज है और ग्लास ब्रिज है, नीचे से सारा व्यू आता है और मैं फिफ्थ लेवल पे हूँ और ये है जी जियोल चंगी एयरपोर्ट। और अभी हम जो है यहाँ से इस ब्रिज को फिनिश करके तो जा रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो गाइस स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। गाइस अभी हम कनोपी ब्रिज से आ गए हैं बाय और मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कनोपी ब्रिज जो है वो वैसे कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर टिकट है कनोपी ब्रिज पर जाने के लिए, ग्लास ब्रिज है और आप अगर ना भी जाना चाहें तो ना जाएं, क्योंकि मुझे तो डिस्कवर करना था इसलिए मैं जाना पड़ा और खर्चे से बंदा बच सकता है। ये देखें ये मेरे पीछे वाटरफॉल है और ये देखें ये कनोपी ब्रिज है, पीछे सारा ये शीशे का है और ये वाटरफॉल है। आप वाटरफॉल यहाँ से भी देख सकते हैं, आप नीचे जा भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस कनोपी ब्रिज पर जाना है, बट मैं सिर्फ क्योंकि मैंने आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देनी थी, इन्फॉर्म करना था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और ये टर्मिनल वन की फ्यूल साइड है, अदरवाइज जो है वो बाकी तो दूसरा सामने है जहाँ से आपका इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अराइवल होता है। गाइस ये देखिए मैं अब चंगी एयरपोर्ट पे फ्यूल्स में ये बेसमेंट में हूँ और पहले मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया था, ये मेरे पीछे जो है ये देखिए आप रिपोर्ट है और ये मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ, आप व्यू चेक कीजिएगा। इसके मैंने अलग से भी विजुअल डाले हैं और आज स्पेशल मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए आया था यहाँ पे एयरपोर्ट पे। और आप ये देखें कि मेरे क्या कहते हैं पीछे कितना लाइक खूबसूरत नज़ारा है, लाइक अमेजिंग व्यू है। ये देखें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सारे प्लांट्स देखें यहाँ पर, ये वाटरफॉल देखें और ये वाटरफॉल के साथ यहाँ पे ऑल अराउंड आप देख रहे हैं ये एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल में जो है ना वो क्या कहते हैं चारों तरफ इसके जो है ना वो बहुत खूबसूरत जो है वो स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में ना सारी प्लांटेशन हुई है, इंडोर प्लांट्स हैं और इंडोर प्लांट्स जो है ना वो इतने खूबसूरत है ना मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वाटरफॉल की वजह से मिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये व्यू जो है ना इसका देखने वाला है, आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है और ये जो सब विजिटर्स हैं ये स्पेशल विजिट करने आए हैं इसका, ये लोग यहाँ पे विजिट करने आए हैं, ये लोग जो है यहाँ पे इनका फ्लाइट का अराइवल नहीं हुआ, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है और लोग यहाँ पे स्पेशल आते इसी लिए। ये देखें गाइस ये
बहुत वो देखे गाइस ऊपर ट्रैम से आ रही है, लुक द ब्यूटीफुल ट्रैम। आपने अक्सर मूवीज में ऐसी ट्रैम देखी होंगी पर आपने लाइव कभी नहीं देखी है, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। मैं आपको बताऊं मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने को, यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत इंजॉयमेंट है, दिल खुश हो जाता है इंसान का। ये देखें रुक कर दूँ, ये देखें ये वाटरफॉल कहाँ से आ रही है, ये देखें अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ गया। अब बिलीव करें कि पैसे पूरे हो गए, वाटरफॉल के पैसे पूरे हो गए हैं। और ये देखें वो जो मैंने आपको नीचे दिखाया था ना ग्लास में, वो जो नीचे ग्लास था जहाँ पे वाटरफॉल जा रही थी, वो बेसमेंट इससे नीचे है, ये उससे ऊपर वाला लेवल है और ये सारा पानी उधर नीचे जा रहा है और ये ऊपर से आ रहा है। ये देखें गाइस, ये मैं बेसमेंट में हूँ चंडी एयरपोर्ट में ज्यूज में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब नीचे से, पहले मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया था, अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। अगर आप इधर ट्रेवल करें जब भी तो आपको इस एयरपोर्ट पे कम से कम जो है ना 3-4 घंटे चाहिए, आपका दिल नहीं चाहेगा यहाँ से बाहर जाने को, इतना आप इंजॉय करेंगे। लाइक इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, ये देखिए लुक द पीपल आर हियर। आप ग्रीनरी देखें, ट्रीज देखें यहाँ पे, लुक लुक द वाटरफॉल। यहाँ पे शाम को जो है ना 7:30 बजे शो होता है, लाइट शो, बहुत खूबसूरत लगता है। As you can see, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही वाटरफॉल है चंडी एयरपोर्ट की जो ऊपर से चल रही है, वो 5th level था। ये इसका जो है लाइक ग्राउंड फ्लोर है और ये नीचे आके ये सारा ग्लास है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है वाटरफॉल की। और ये सारा ये देख रहे हैं ये फूड कोर्ट है, ये एयरपोर्ट है। मेरे ख्याल से जो है ना पूरे मैंने बहुत से कंट्रीज ट्रेवल किए हैं पर इतना बड़ा लाइक एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप और फूड कोर्ट मैंने नहीं आज तक देखा कहीं पर। आप देख रहे हैं सारा फूड कोर्ट है और ये मेरे पीछे वाटरफॉल है वही। ये आई थिंक ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है, ये बेसमेंट है। और ये देखें ये सारा फूड कोर्ट और यहाँ पर ये सारा आप देख रहे हैं ये वाटरफॉल वो आपको नज़र आ रही होगी। ये सारा मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर वाले लेवल पे जाऊँगा और वहाँ से भी व्यू बहुत ज़बरदस्त है इस वाटरफॉल का, तो आई शो यू गाइस। गाइस इस वक्त मैं मिरर मेज में हूँ और ये देखें ये ग्लो स्टिक है, इससे आप चेक करते हैं एवरीवेयर ग्लास लगा हुआ है और ताकि आप हर्ट ना हो। ये देखें इसलिए जो है वो ये आपको दिया गया है ताकि आप ये शीशों से टकरा ना जाए, चोट वोट ना लग जाए। और आई होप कि आपको मेरा ये जो है आज का व्लॉग जो है एक्टिविटी इसमें मज़े की और ये आपको अच्छा लगेगा। और आपने ज़रूर लाइक करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना है। और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है और ये चंडी एयरपोर्ट पे है। चंडी एयरपोर्ट जो है ना वो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है और ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, नीट एंड क्लीन, बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। ये देखिए मुझे लगा था कि मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ बट ये जाना कहीं और था। अब ये इधर ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ओह माय गॉड। ये फुल एंजॉयमेंट हो रही है Guys, for you, I do these things. मैंने आपको पहले कहा था कि पहले ये सब कुछ मैं अपने लिए करता था, अब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या क्या पूरी दुनिया में होता है और सिंगापुर में क्या एक्टिविटी होती है, ताकि अगर आपको कभी चांस मिले आने का तो ईजीली आप ये वीडियोज़ हमारी देख के यूट्यूब पर तो आप इनको अवेल कर सकें। और इट्स अ गुड एक्टिविटी, वेरी नाइस
गार्ड यहाँ से बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा, और ये भी नहीं पता चल रहा कि रास्ता किधर है, बाहर कहाँ से जाना है, बाहर जाने का जो है पता नहीं चल रहा। बच्चे जो हैं किड्स आर क्रेजी हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जो है ना उसको इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए ये मेरे हाथ में, मैं खुद जो है ना कुछ ट्रेनिंग कर दिया है, कहाँ जाना है, कहाँ से बाहर आना है, फुल एंजॉयमेंट है। फनी बच्चों के लिए तो बहुत जबरदस्त सीन है, बहुत जबरदस्त सीन है। ओके गाइस, अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जी गाइस, मैं अभी निकल आया हूँ जूस चंगी एयरपोर्ट से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ होटल अपने, और आपको इंशाल्लाह ये जब मैं ऑनलाइन करूँगा वीडियो तो आपको बहुत मज़ा आएगा देख के, बहुत उसमें लाइक मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, और अभी बाहर आए हैं तो वेदर जो है पता चलता है कि बाहर गर्मी है, अंदर तो कूलिंग बहुत ए सी लगे हुए थे, और उसके बाद जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।